कादीपुर वार्ड के अंतर्गत स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में कादीपुर से शमशान घाट के सामने काटी जा रही है खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनी। कादीपुर शमशान घाट के ठीक सामने जो रास्ता कादी विहार कॉलोनी की तरफ जाता है, उस रास्ते पर खेती की जमीन को नष्ट करके कंक्रीट में तब्दील किया जा रहा है। कॉलोनी के प्लॉटों में अभी भी हरी भरी फसल लहरा रही है। उस फसल की जगह पर अब उस फसल को काट कर कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही हैं और अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। बिल्कुल खेतों के बीच में बसी इस अवैध कॉलोनी के लिए बिजली पानी आदि व्यवस्था करना प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। जो गरीब लोग यहाँ कॉलोनी काटने वाले लोगों के झांसे में आकर यहाँ पर प्लॉट या मकान लेंगे, वे लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी गवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त डेमोलिशन हो सकता है। पिछले दिनों प्रशासन का अमला नगर निगम चुनाव में बिजी था। चुनाव की ड्यूटी से मुक्ति के बाद दिल्ली सरकार का रेवेन्यू विभाग और एमसीडी इन सभी के अधिकारी अब इस तरह की कॉलोनियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। खुलेआम अवैध रूप से बसाई जा रही इस कॉलोनी पर कार्रवाई होना लाजमी है, जरूरत है। यहाँ गरीब लोग प्लॉट लें और अपने जमा पूंजी को यहाँ फंसाएं, उससे पहले ही प्रशासन इस तरह के अवैध निर्माण को हटाए, वरना यहां पर गरीबों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अब दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है और यहां पर गरीबों के साथ किसी तरह का छलावा ना हो और इस तरह के अवैध कामों पर पारदर्शिता दिखाने वाली दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी का नगर निगम क्या कार्रवाई करेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।